नमस्कार, मैं आचार्य रुबीना तुली मल्होत्रा और आज हम बात करेंगे तुलसी विवाह के उपाय के बारे में। उससे पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल जॉय एस्ट्रो। जिस कन्या का विवाह ना हो रहा हो वह साथ साबुत हल्दी की गांठ, थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल किसी पीले कपड़े में बांध कर किसी विष्णु मंदिर में जाकर विष्णु भगवान को अर्पित करें, उसका जल्द ही विवाह हो जाएगा। अगर आपका विवाहिक सुखम नहीं है तो आपके पति या पत्नी आप शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का या फिर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद ये दीपक आपको रोज जलाना है। ऐसा करने से आपका विवाहिक जीवन सुखमय हो जाएगा। तुलसी विवाह के दिन तुलसी विवाह कराने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना है। ऐसा करने से आप और आपके जीवन साथी के बीच में चल रहे झगड़े समाप्त हो जाते हैं। तुलसी विवाह के दिन आपको राधा कृष्ण की आलिंगन वध तस्वीर अपने शयन कक्ष में लगानी चाहिए। ऐसा करने से आप और आपके पत्नी के बीच में प्यार बढ़ेगा। तुलसी विवाह के दिन महिलाओं को तुलसी के पौधे के नीचे चमेली के तेल का दीपक जलाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाएगा। जिस कन्या का विवाह ना हो रहा हो वह सात साबुत हल्दी की गांठ, थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल किसी पीले कपड़े में बांधकर किसी विष्णु मंदिर में जाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और उनसे अपने विवाह के लिए प्रार्थना करें। जिस लड़के के विवाह में रुकावट आ रही हो वह तुलसी विवाह के दिन व्रत रखकर जिस समय शालिग्राम का तुलसी जी से विवाह हो रहा हो उस समय शालिग्राम के हाथ में उठाकर उनके पैरों उनके फेरे कराएं और फेरों के बाद उनका कोई वस्त्र अपने पास रखें और कलंगी चढ़ाएं। ऐसा करने से उस लड़के के विवाह की सभी रुकावटें समाप्त हो जाएगी। तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को चढ़ाया गया श्रृंगार और चुन्नी किसी सुहागिन स्त्री को दान दे या फिर माता लक्ष्मी के मंदिर जाकर उनको चढ़ाकर उनसे विवाहिक सुख की प्रार्थना करें। ऐसा करने से भी आपके विवाहिक जीवन में सुख की वृद्धि। अगर आपको ये लगता है कि किसी बुरी शक्ति के कारण आपके विवाहिक जीवन में कलह है तो आप तुलसी विवाह के दिन तुलसी विवाह से एक दिन पहले कुछ तुलसी के पत्ते तोड़कर उसे पानी में रख दें और तुलसी विवाह के दिन उस पानी को घर के मुख्य द्वार पर डाल दें। ऐसा करने से आपके घर की सभी नकारात्मक शक्ति समाप्त हो जाए। यदि किसी कन्या को मनचाहा वर की प्राप्ति है तो उसे तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को लाल रंग की चुन्नी अवश्य ओढ़ानी चाहिए और अगले दिन उस चुन्नी को हमेशा से अपने पास संभाल कर रखना चाहिए। ऐसा करने से मनचाहा वर की प्राप्ति शीघ्र ही होती है। तुलसी विवाह के दिन भगवान नारायण की तस्वीर और तुलसी के 11 पत्ते अपने सोने वाले कमरे में रखें। ऐसा करने से आप और आपके साथी में प्रेम बढ़ेगा। वास्तु तथा अन्य ज्योतिष संबंधित जानकारी के लिए जॉय एस्ट्रो के साथ बने रहें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।